हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में, यानी कि नॉइस पोल्यूशन क्या इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, नॉइस पोल्यूशन ह्यूमन की बनाई हुई इफेक्ट्स से पैदा होता है, यानी कि ह्यूमन की बनाई हुई फैसिलिटीज से किसी पैदा होता है। ह्यूमन जो नॉइस होता है, नॉइस पोल्यूशन आपकी फैक्ट्री की मशीनरी से पैदा होता है, एयर ट्रैफिक से पैदा होता है, प्लस हमारा जो ऑटोमोबाइल का जो ट्रैफिक होता है, जो ऑटोमोबाइल्स से निकलने वाली साउंड जो है, और जो लाउड स्पीकर से निकलने वाली साउंड को हम लोग बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। और इस नॉइस पोल्यूशन का जो इफेक्ट होता है वो ह्यूमन बींग से बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो नॉइस पोल्यूशन होता है वो हियरिंग को लॉस करता है, यानी कि और मेंटल स्ट्रेस को प्रोवाइड करता है, प्लस डिस्ट्रक्शन इंटेलिजेंस में मदद करता है। यानी कि जो व्यक्ति नॉइस पोल्यूशन का शिकार होता है वो उसकी जो इफिशेंसी कम हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस रहने लगता है, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, और उसका जो टेस्ट होता है इंटरफेरेंस का वो बदल जाता है, और वो इरिटेट होता है और दूसरों को भी इरिटेट करता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से वो अपने कंफर्ट को खो देता है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए उसके कम्युनिकेशन में भी गैप होने लगता है और उसकी प्राइवेसी भी भंग होने लगती है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। नॉइस पोल्यूशन आपके प्राइवेसी को डैमेज करता है, प्लस आपको जो है नॉइस पोल्यूशन की वजह से हैबिट डालनी पड़ती है तेज बोलने की, और नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो है आपका इंजॉयमेंट बहुत ही कम, मतलब इंजॉयमेंट में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, प्लस आपके स्टडीज में भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो है हियरिंग लॉस की डिजीज आपको हो सकती है नॉइस पोल्यूशन की वजह से। अगर रही बात इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बात करें तो नॉइस पोल्यूशन आपके मस्तिष्क पर भी बहुत ही गहरा इफेक्ट डालता है, क्योंकि नॉइस पोल्यूशन की वजह से आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कैपेसिटी कम होने लगती है। नॉइस पोल्यूशन मैंने आपको बताया, जो कंस्ट्रक्शन का कहीं काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन वर्क आपके घर के आसपास चल रहा हो, तो उससे भी आप नॉइस पोल्यूशन फैल सकता है। प्लस इसके अलावा जो है नॉइस इफेक्ट्स आपके तो वहाँ से फैल सकता, मतलब अनवांटेड साउंड आपको काफ़ी तेज से सुनाई दे रही है, और वो साउंड आपको इफेक्ट कर सकती है। प्लस इसके अलावा जो है ट्रैफिक की जो साउंड होती है, और बहुत से लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो ट्रैफिक में जो होने वाले साउंड को भी हम लोग नॉइस पोल्यूशन मानते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में, या फिर नॉइस के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे मामल्स हो, तीनों में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो होता है नॉइस पोल्यूशन का। नॉइस पोल्यूशन होता क्या है, जो जरूरत से ज़्यादा आक्रामक आवाज़ होती है उसे नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। ये सीरियस डैमेज कर देते हैं वाइल्ड लाइफ को भी, और ये एनिमल्स को जो क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स भी इफेक्टेड होते हैं। साथ साथ नॉइस पोल्यूशन की वजह से सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है, और इसमें जो इन्वायरमेंटल क्ल्यूज हैं वो, यानी कि एनिमल सिग्नल्स, उसमें भी डिफेक्ट आता है। इसमें साइलॉजिकल इफेक्ट्स, बिहेवियर इफेक्ट्स और इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, इन तीनों से जो है बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है मामल्स को भी इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सिप में, ये कमर्शियल व्हीकल में आता है, या वेसल भी कह सकते हैं सिप, ठीक है। और अगर सर्वे के अनुसार देखा जाए तो जो सिप से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं, ठीक है, जिसे वेव्स भी बोलते हैं, जिसकी नॉइस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वजह से सबमरीन प्लस इसके अलावा जो मैरीन लाइफ होती है, यानी कि वेल, शार्क्स वगैरह होती हैं, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये नॉइस पोल्यूशन का इको सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से जो नॉइस पोल्यूशन होता है वो, यानी कि वो किस प्रकार से इकोसिस्टम को हार्म पहुंचाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।